हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर फिटनेस चैनल अज़रा खान फिटनेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रोटी की रेसिपी। इट इज अ फैट लॉस वेट लॉस रोटी रेसिपी। मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स में शेयर किया है कि आप ऐसी रोटी को यूज करिए एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज वर रिक्वेस्टिंग मी कि हमें आप पूरी रेसिपी प्रॉपर रेसिपी बताओ। सो आई थॉट इट इज हाई टाइम और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था दैट आई विल कम अप विद द रोटी रेसिपी सून। तो आज हम लोग बनाएंगे आटा फ्रॉम स्क्रैच। हाउ यू कैन मेक योर ओन मल्टीग्रेन वेट लॉस आटा एट होम एंड उससे फिर रोटी बनाएंगे। पूरी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे इन फॉर मोर वीडियोज लाइक। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द रेसिपी। ऑलराइट गाइस, तो ये है 6 तरह के फ्लावर्स जो यूज़ होंगे हमारे मल्टीग्रेन आटा के लिए फॉर द वेट लॉस रोटी रेसिपी। ये मैंने लिया है क्विकर ओट्स, उसको ग्राइंड करके ओट्स का आटा बनाया है। याद रखें ये थोड़ा सा ग्रेनी होगा। ये है हमारा फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स का पाउडर, दोनों को मिक्स करके मैंने इस तरीके का पाउडर बनाया है। फिर ये है हमारा बेसन का आटा, ये हमारा बाजरे का आटा, ये हमारा ज्वार का आटा और ये हमारा वीट का आटा। तो ये 6 फ्लावर्स लगेंगे हम लोगों को इस रेसिपी में। तो ये रेसिपी हम लोगों ने जैसे कि एक कटोरी इस तरह की साइज़ नॉर्मल साइज़ की कटोरी का ही क्वांटिटी लेना है एंड सारे आटों को मिक्स करके हम लोग एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे एंड फिर हम लोग उसमें से ही लेके आटा अपना गूंद सकते हैं फ्रेश रोटी बनाने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द मिक्सिंग ऑफ ऑल द फ्लावर्स। इस बोल में हम लोग मिक्स करेंगे सारा आटा। ये हमारा ज्वार का आटा, ये हमारा बेसन, सारे ही इक्वल क्वांटिटी के हम लोग को लेने हैं। बाजरा, ये है हमारे फ्लैक्स सीड्स, ये है हमारा ओट्स और ये है हमारा नॉर्मल सा आटा। नाउ गाइस, अब हम लोग को सारे आटों को मिक्स करना है एक प्रॉपर हमारा मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जो स्टोर बॉट आटा होता है वेट लॉस के लिए वो उससे बेटर ये मल्टीग्रेन आटा है। वेरी रिच इन फाइबर, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ है और ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा लो है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स है ये एंड इजिली डाइजेस्टिबल, ब्लोटिंग नहीं देता। ये आटा परफेक्ट है फॉर कुकिंग योर रोटीज एंड डू गिव इट अ ट्राई स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेट लॉस जर्नी एंड मार्केट के मल्टीग्रेन आटा से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा ये। नाउ ये मिक्स हो गया है, ये कुछ इस तरीके का आटा आपको दिखेगा। थोड़ी सी ग्रेनी कंसिस्टेंसी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग आटे मिक्स किए गए हैं एंड या दिस इज द आटा। अब हम इसको नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं 7 दिन के लिए। ये पूरा आटे का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर दें। कंटेनर में मुझे अपना आटा स्टोर करना है और जो यूज़ करना है वो उससे हम लोग आज डो बनाने वाले हैं। ये याद रखें कि 7 दिन से ज़्यादा इस आटे को आपको स्टोर करके नहीं रखना है। तो इतनी ही क्वांटिटी लें जो 7 दिन तक चल सके। अगर आप ज़्यादा पूरी फैमिली के लिए बना रहे हो तो और ज़्यादा आटा आप लीजिए, 2 कटोरी पर फ्लावर आप ले सकते हैं। नाउ दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टोर इट। आप इजीली इसको नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं या तो फिर आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। बट क्योंकि इसमें बाजरा पड़ा हुआ है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करें। नॉर्मली जैसे आप नॉर्मल आटे को गूंदते वैसे ही हम लोग को इस आटे को भी गूंदना है। इस आटे की रोटी जो बनाना होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है नॉर्मल आटे के मुकाबले क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा ग्रेनी है। तो ये ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं मिलाना है इसको। जितने अच्छे से आप इस आटे को नीट करोगे उतने अच्छी सी आपकी रोटी बनेगी और ये नॉर्मल रोटी नहीं है जो फूलती है। ये ज़्यादा ये आपकी रोटी बिल्कुल फूलेगी नहीं बट खाने में यस इट इज़ मच मोर न्यूट्रिशियस। सो या एक हाथ से नीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो वो अब मैं नीट करके आपको रोटी बना के दिखाऊंगी कि हाउ द रोटी ऑफ दिस आटा लुक्स इन अ फ्यू मिनट। ओके गाइस, तो ये हमारा आटा रेडी हो गया है। नाउ ये आटा अगर आप PCOD से सफ़र कर रहे हैं या थायराइड से सफ़र कर रहे हैं तो दिस इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर योर रोटी। आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं एवरीडे बेसिस पे। इसमें फ्लैक्स सीड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, अमेजिंग फॉर योर वेट लॉस, प्लस विल कीप यू फुल, वेरी न्यूट्रिशियस एंड या दिस इज द बेस्ट ऑप्शन स्पेशली फॉर PCOD पेशेंट्स एंड फॉर वेट लॉस जर्नी एज वेल। सो या नाउ अब हम लोग कुक करेंगे इसकी रोटी एंड आई शो यू गाइस।
सो गाइज दिस वॉज माई सुपर सिंपल रोटी रेसिपी. जितने भी आटे डिफरेंट डिफरेंट आटे यूज हुए हैं रेसिपी में उसका मैं पूरा मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ यू आर कंफ्यूज. एंड द वे टू कुक इट एंड द प्रिसिजन कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो मैंने डिफरेंट वेरियस आटे खरीदे वो मैंने बिग बास्केट से खरीदे तो यू कैन इजिली गो अहेड एंड बाय ईच फ्लावर फ्रॉम दैट बिफोर मेकिंग योर होम मेड ओन वेट लॉस आटा. आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ क्विक फाइव थम्स अप. सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल. आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे फिट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी. गुड बाय.